हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल बीजे विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइब हुए जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटे भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चल रहा हूँ अपने लिए कोई जॉब ढूंढने, कौन कौन सी कंपनी में जा रहा हूँ बात करने, आई मिल पाता है कि नहीं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिए। लग रहा है ना कभी जैसे आए हैं, मौसम तो चेंज हुआ ही है, पानी तो चेंज हुआ ही है, बुखार आ रहा है और दवा खा रहे, उतर जा रहा है, फिर 2-3 घंटे के बाद आ जा रहा है। तो कितना दवा खाए बताया भी था डॉक्टर साहब से, कह रहे हैं कि हो जाएगा इसी धीरे धीरे सही। आप बिल्कुल जैसे थोड़ा आराम भी करें ना तो अंदर से बेचैनी सी हो जाएगी, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी जॉब ढूंढूंगा, कहीं काम करने लगूँगा ना तो फिर ऑटोमेटिक सारा बीमारी दूर हो जाएगा। तो अभी चलता हूँ किसी कंपनी में बात करूँगा, देखता हूँ मिल पाता है कि नहीं। अब भैया कह रहे हैं कि अभी उस साइड में फाइनली चढ़ रहा है, अभी कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, बात किए थे ऑफिस में। तो चलिए अभी आ गया गेट पर, चलता हूँ। और एक साइड है पूर्वांचल कंपनी की जो अभी खुला नहीं है, प्लॉट तो ले लिए हैं तो उसमें अभी टाइम है, इसलिए बोल रहे हैं कि देखो अगर लग जाता है ठीक है, नहीं तो फिर होली बाद ही उसमें व्यवस्था हो पाएगा। लेकिन मुझे को अभी करना है, पैसा की सख्त ज़रूरत है, तो शादी भी आ रहा है तो होली में ही दिक्कत हो जाएगा। चलिए अभी देखता हूँ, ज़रूर कोई ना कोई जॉब मिल जाना चाहिए। चलिए अभी कुछ पार करेंगे और उधर बात करेंगे। चलिए और आगे तो चलते हैं, इसमें बात करने जा रहा हूँ, कोई मेंटेनेंस का जॉब मिल जाए। चलिए देखता हूँ कहाँ स्टाफ है, बात करता हूँ ना। बात कर लिया लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, नंबर अपना मैंने दे दिया, चलिए उनको ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल करेंगे मेरे पास है ना। बात करके जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नंबर भी मैंने दे दिया है अपना, कि कभी उनको ज़रूरत पड़े तो मेरे पास कॉल आए, तो यहाँ रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ तो मेरे को पता चल जाए कि यहाँ जॉब मिल रहा है, तो वहाँ जाके अपना लग सकते। और बाकी अभी आगे चल रहे ओमेक्स कंपनी में, बोले हैं कि थोड़ा एक बार ओमेक्स में बात कर लो, जहाँ अभी बात किया हो ना गेट, तो बोल रहे कि यहाँ तो अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन ओमेक्स में हो सकता है ज़रूरत हो, आप वहाँ पर जाके एक बार बात कर लो, अगर मिल जाए जॉब तो अच्छी बात। चलिए अभी मैं ओमेक्स कंपनी का गेट ढूंढता हूँ, फाइनली अभी ओमेक्स कंपनी का गेट मिल गया, चलिए वहाँ बात करते हैं अंकल। ना यहाँ भी किसी का नंबर नहीं मिला, गार्ड भी ना ऐसे ऐसे हैं, बोल रहे हैं कि अभी चले गए हैं सब, यानी चलिए कॉल में एक बार आके यहाँ और पता कर लेता हूँ, अभी देखता हूँ कहाँ कहाँ बात कर सकते हैं। चलते चलते कितना सुंदर पार्क मिला है, चलिए मैं थोड़ा इधर टहल लेता हूँ और उसके बाद चलेंगे और आगे। कितना सुंदर पार्क है देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना। जॉब ढूंढने में कुछ ज़्यादा ही घूम भाग दौड़ करना पड़ेगा तभी मिल पाएगा, ऐसे में तो कोशिश कर रहे हैं टैक्सी आने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 2-3 आदमी के पास कॉल किया था, बोले कि ठीक है आओ देखते हैं क्या हो पाता है। चलिए अभी यहाँ 10 मिनट आराम कर लिया, उनके थोड़ा आगे चलते हैं और उसके बाद देख रहे चेहरा कैसे सुबह सुबह से लग रहा है दोस्तों। हिक्स भी ले रखा हूँ, सर तरफ करता है तो उसको भी लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे लग रहा है कि एक जगह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, तबियत ऐसी डाउन होते रहेंगे, काम पर लग जाएंगे, करते रहेंगे, सब सही हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं किधर मिलता है जॉब, चलते अभी चलते चलते कौन सी जॉब राह पे पहुंच गया। चलिए और आगे चल के बात करेंगे, अभी टाइम है। हाँ मेरे को ना और सुबह से निकलना था, क्योंकि आधा स्टाफ अभी तक ना निकल जाते हैं दूर दूर वाला, इसलिए किसी से शायद मुलाकात नहीं हुआ। चलिए फिर भी एकदम मेंटेनेंस में तो 8 बजे तक ड्यूटी रहता है सबका, 12 घंटा तक। अभी चलते हैं और आगे, इधर ढेर सारी कंपनियां दिख रही है, चलिए उधर चल के बात करके ठीक है। क्या मैं रास्ता याद भी करते जाना है, नहीं कि मैं खो ना जाऊँ, फिर भैया परेशान हो गए मेरे को ढूंढने में। ऐसे में तो मोबाइल जिसके पास से खोया कैसे खो जाएगा, उनको तुरंत बताऊँगा इस जगह पर हूँ, फिर किसी पर लगे कि खोना नहीं। चलिए आगे और चल के बात करते हैं। जब तक कोई जॉब नहीं मिलता ना दिमाग परेशाने रहेगा, तबियत ऐसे डाउन होते रहेगा, मिल जाएगा तो फिर दिमाग फ्रेश रहेगा, सुबह से जाओ काम करने और उसके बाद रात को खाना बनाओ खा के सो जाओ, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
चलिए यहाँ भी काम नहीं बन पाया और आगे चलते हैं। जॉब सब जगह ना आदमी ठीक बैठा है अपना अपना पोस्ट पे, इतना आसान नहीं है जॉब ढूंढना। कहाँ जहाँ खाली होगा ना, जहाँ जैसे कोई काम भी वहाँ फंसता हो वहीं पे मिल सकता है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या काम कर पाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपना आशीर्वाद कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाए रहिए, कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगा, वो सब आपको दिखेगा। बाकी तो ब्लॉगिंग कर ही रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग से ना फ़ायदा नहीं है उतना, दिन भर आदमी बोर हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है क्या करें, थोड़ा काम करते रहेंगे ना मन को शांति मिलेगी। चलिए और आगे दूसरा सोसाइटी में। फाइनल सोसाइटी में ना जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस का भी काम ना बड़ा मुश्किल से मिलता है, अपना अपना जगह पकड़ के सब रहते हैं। और बाकी अभी कहीं किसी कंपनी में ना काम भी नहीं चल रहा उतना शुरू से, नहीं तो वहाँ ज़रूर मिल जाता। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी नहीं हो पाया देखा कि पता ना कौन सी, और नाम तो पढ़ते नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गेट पर ना गार्डों को अपना नंबर दे जा रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़रूर कॉल करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आज का दिन ना बहुत खराब है, देख रहे कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पता ना क्या हो गया, भगवान। इसमें आया हूँ जॉब ढूंढने, देखता हूँ इसका गेट किधर है, क्योंकि इसमें काम चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें ना इलेक्ट्रिशियन का जॉब हो सकता है, मिल सके देख सकते। ये जो अंदर बाउंड्री है, टीम का जो बाउंड्री है उसका अंदर जो काम चल रहा है, चलिए इसका गेट पर पहुँचना है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। रियल कश्यप में आया हूँ देख सकते, चलिए आप इसमें बात करते हैं जाके क्या होता है, करते कितना काम चल रहा है। चलिए अभी दीजिए आप इसमें बात करके फिर चलता हूँ। स्टाफ को ढूंढने में इतना तकलीफ हो रहा है, चलिए मैं ढूंढता हूँ इलेक्ट्रिशियन। अभी ना मिलने के लिए बुलाया है, नंबर बड़ा मुश्किल से मिला है इलेक्ट्रिशियन फोरमैन, अभी जाता हूँ उनके पास देखता हूँ क्या कहते हैं। देख सकते अभी कि इतना सारा बहुत अजीब अजीब काम है, कुछ दिन अगर लग जाता है भगवान जी की कृपा से ना जो सब सीख जाऊँगा सिस्टम, जो जो भी काम है फिर क्या क्या हमें करना है। दोस्तों फाइनल भगवान जी का आशीर्वाद से मुझे लग रहा है जॉब मिल ही जाएगा, ये देखिए मैकेनिकल स्टोर, और यहाँ से ना जो भी जहाँ काम करते हैं वहाँ यहाँ से अपना बताएंगे तो ये काम करेंगे, और बाकी में दो तीन दिन में तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए अभी इंतजार करते हैं इंजीनियर साहब आते हैं, उनसे कन्फर्म बात हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है देखिए। और दोस्तों देख सकते अभी लू बहुत गुमटी स्टेशन में काम मिला है दोस्तों, अभी इसमें ना कन्फर्म आते हैं कि कन्फर्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, अब दो तीन दिन तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना। शाम हो गया है, बात किया हूँ बहुत नंबर ले लिया हूँ, शाम का टाइम है ना तो सब काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अभी पूरा कन्फर्म बात नहीं हो पाया, लेकिन कल कन्फर्म बात हो जाएगा। चलिए कल जाएँगा, अभी 10 बजे बुलाए हैं, और उसके बाद नया खुशखबरी आपको मिलेगा क्या दोस्तों, जॉब मिल गया, कितना सैलरी लगेगा वो भी कल ही कन्फर्म होगा, पहले जॉब मिल जाएंगे। और बाकी मैं जो जो काम सीखा हूँ वो सब बताया, बोले कि ठीक है यहाँ मिल जाएगा आपको ज़रूरत है, देखते हैं कल क्या होता है। चलिए अभी अपने चलते हैं रूम, तो अभी चलूँगा ना, आप भाभी से खुशखबरी सुनाऊँगा, भाभी भी खुश हो जाएंगी, कहेंगे बहुत अच्छा बात है। कल तो भाभी का मुँह मीठा भी कराएँगे जो भी मिले दोस्तों। अब देख रहे हैं कि कितने सोसाइटी में घूमा तब जाके एक कहीं जॉब मिला है, उससे भी बहुत हेल्प होगा जो भी सैलरी लगे, ये भी आप लोग से ज़रूर पूछ के जॉब करूँगा कि ये काम करना है और इतना ही सैलरी मिल रहा है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अरे तो बातें तो कुछ तो बनना बनाई है, तो आप लोग से परमिशन और बड़े भैया से भी परमिशन, और बाकी जो काम करूँगा ना उसमें आप लोग को और अच्छा लगेगा ब्लॉग देख के, हमने दिन भर में ये काम किया कैसा सोसाइटी में कैसे कैसे काम चल रहा है, और बाकी थोड़ा बहुत बनाने में तो दिक्कत होगा लेकिन बना पाऊँगा कर पाऊँगा दोस्तों, बस आप लोग हौसला कमेंट द्वारा बढ़ाना मत बंद करिए। कितना सुंदर जगह, कितना फूल बना है, चलिए अभी ज़्यादा टाइम हो गया है चलते हैं, नहीं तो भैया गुस्सा हो जाएगा। अभी भैया लेकिन साइड पे ही है, भाभी कॉल करी थी तो जल्दी आइए, भैया के आने का टाइम हो गया, और मैं ना भैया से पूछा नहीं था कि ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, भाभी से बोल के आया था, भाभी करिए ठीक है जाना टाइम से आ जाना, लेकिन अभी इधर लेट हो गया बात करते करते, आप बहुत देखे होंगे कितने कंपनी में घुमा हूँ, तब जाके एक
देखिए कुछ बात बनी है, देखता हूँ कल हो पाता है कि नहीं। हो जाए तो बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि ना काम करते रहेंगे या ब्लॉगिंग भी करते रहेंगे तो आप लोग भी अच्छा लगेगा, मेरा सेहत भी सही रहेगा। कुछ दिन से तबीयत खराब के कारण ना इतना बैठ गया कि अभी थोड़ा आप समझ सकते हैं बात को, कि ज़्यादा दिन अगर कोई काम ना करे या बैठ जाए ना तो फिर एक भाई काम करने में ना बहुत परेशानी होती है। लेकिन फिर भी मैं करूँगा जो आपको दिखेगा बहुत जल्द। देख सकते हैं चलते चलते आ गया आधा रास्ता, अब यहाँ से कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। जहाँ पूजा हो रहा था वहाँ पहुँच गया, अभी चलिए चलते बाद में आएंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत दूर से ना सुबह से करीब 1 बजे निकला था काम ढूंढने, अभी शाम को 6 बज रहा। अभी ना नौकरी मिलने की खुशी में चाट बना रहा हूँ भैया से, बहुत टेस्टी बनाते हैं। चलिए भी लेके चले तो देख सकते हैं अभी चाट बन रहे हैं। अब भैया कितना अच्छे हैं, जो भी जिसको खाना है वो अलग अलग बोरे के पनीर में डाल देते, बहुत अच्छी बात है। यानी समझ में आया कि हमें नहीं खाना है नहीं खाना है तो अलग अलग डाल देते। चलिए चाट बन चुका है, देख सकते कितना टेस्टी बना रहे भैया। और जी इतना सब सामान डाले है ना, मैं देख के खुद कंफ्यूज हो गया क्या क्या भैया डाल रहे हैं। लेकिन भैया पे कर देना है भैया। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो कल आप लोग वीडियो में देखे होंगे कहाँ कहाँ जाकर मैंने जॉब ढूंढा, और सभी जगह अपना नंबर दे दिया हूँ। अभी वो लोग खुद ही कॉल करेंगे, अपना वो लोग नंबर नहीं दिए, मेरा नंबर ले लिए हैं। मैं बोला कि अपना नंबर भी दे दीजिए, तो बोला कि नहीं हमें जब जरूरत पड़ेगा आपके पास तुरंत कॉल करेंगे, आप टेंशन मत लो, 2-4 दिन और भी आराम करो, हमें अभी बात करके आपको लगाते हैं। बाकी भैया भी ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्द मिल जाएगा नौकरी। आप लोग कमेंट में बोले थे कि भैया आप गए हैं जॉब ढूंढने तो जॉब ढूंढिए, इसलिए मैं कल गया जॉब ढूंढने, मैं बैठने नहीं आया हूँ, जॉब भी ढूंढूंगा। जब तक खाली अभी हूँ तब तक ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारा ब्लॉग को और आगे बढ़ाइए, चैनल को आशीर्वाद जैसे बना कर रखे हैं वैसे बनाए रहिए। और अभी ना भैया का कॉल आया था दोस्तों, बोल रहे को जो वायर डाटा होता है एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं कितना दिन से काम कर रहे हैं क्या क्या करते हैं वो सब बनवाना पड़ेगा, तो उसको भी देखता हूँ कहाँ बनता है, वहाँ मैं जाकर बनवा कर 2-4 कॉपी ना रख लेता हूँ, काम आएगा। अभी देख सकते साइड से कोई सामान जा रहा है दूसरे साइड, बहुत जल्द इस कंपनी का भी बहुत खुलने वाला है, तो इसमें टेस्टा भी बोल रहे हैं कभी हबड़ाओ मत, अपने भाई के पास आए हो रहो और काम ढूंढते रहो, अच्छा काम मिल जाएगा तो लग भी जाना, नहीं तो इस कंपनी में तो कुछ दिन के बाद आपको तो रखेंगे। बाकी तो आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हो भी करो, बहुत समझाते हैं अच्छा बात है, और आप लोग के कमेंट में हौसला बढ़ाते हैं, इससे अच्छी की बात है कि जरूर अच्छा दिन आएगा। चलिए अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ ना, चाय पी के आता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भाभी जो बनाई थी चाय पी लिए थे, लेकिन थोड़ा और भी चाय पीने का मन कर रहा है। बहुत सुबह सुबह देखता था धूप ही नहीं हुआ है, और उसके बाद आकर नहाएंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, अभी जो आया हूँ ना घर से, इसके पहले आप देखे होंगे कि जो पहले वाला दवा चल रहा था जिसमें नींद का भी गोली था, तो रात को ना करीब 12-1 बजे के बाद ही नींद आ रहा है, और सुबह भोर में, तो अभी ये परेशानी मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि अभी जॉब लगते ही सुबह मेरे को कम से कम 6-5 बजे उठना है। कुछ दिन से घर पे जब रहते हैं तो उसमें आपसे छुपाना क्या है बताना ही उचित रहेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में हमें और हौसला सिखाएंगे। तो सुबह सुबह का आदत नहीं है उठने का, बिहार में देखते ही थे 8 बजे तक सोते रहते थे 7 बजे तक कि अपना जो भी काम है, तो एक भाई का भी आदत लगाना भी, इसीलिए भैया मेरे को सुबह ही उठा देते हैं। तो अभी तक देख सकते थोड़ा बहुत नींद है, लेकिन धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा, आदत लग जाएगा, आदत लगाने से लगेगा सुबह उठने का। तो 6 बजे जग जाऊंगा, उसके बाद खाना वाना बना के फिर जाएंगे ड्यूटी, तो वो सब दिखेगा आपको। देख सकते अभी आगे चाय दुकान पे, देखता हूँ चाय बना है कि नहीं, बना होगा खास करके ना वहाँ, ये क्या चीज़ बिक रहा है। अभी दोस्तों देख सकते अभी सुबह सुबह ना चाना खा रहा हूँ, आइए आप लोग खा लीजिए, भैया बना रहे हैं, कितना सुंदर। सुबह सुबह यहाँ पे आया हूँ, यहाँ भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
जगह जगह बात करेंगे ना तब अच्छा सैलरी लग जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कम रेट बता रहे थे भैया, कह रहे हैं नहीं उतने रेट में काम नहीं करना अभी और ढूंढो। चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं, और जहाँ भी अच्छा लगेगा वहीं पर फिट हो जाएंगे अपने जॉब में, अब बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें आया हूँ बात करना अभी, चलिए गेट ढूंढता हूँ, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रिशियन का जो मैं काम किया हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो हो सकता है मिल जाए। अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है आज बंद हो किसी कारण। गार्ड साहब से पता करते हैं काम है कि नहीं। तो अभी ना गार्ड साहब से नंबर लिया हूँ, तो उनके पास फ़ोन किया सर के पास, तो ऑफिस में बुलाए हैं, आओ बात करते हैं। तो चलिए देखता हूँ क्या बात हो पाता है, लग पाता है कि नहीं। ढूंढते रह रहा हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा जो बहुत हम लोग का सहारा होगा कोई भी काम, खास करके इलेक्ट्रीशियन का मिल जाए ना तो चाहिए, इसीलिए इतना भागदौड़ थोड़ा पड़ेगा। अब भागदौड़ तो करना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो देख सकते हैं कहाँ पहुँच गया, किधर ऑफिस से ढूंढ रहा हूँ, चलिए देखता हूँ मिल जाएगा। देख सकते हैं अभी ये ऑफिस है, ढूंढ लिया ऑफिस, चलिए अभी सर से मिलते हैं ना। बात उत कर लिया और नंबर मेरा ले लिया उन्होंने, क्योंकि अभी वो सोसाइटी देखें अभी वीडियो में आप लोग कि थोड़ा अभी बंद है, अभी चालू होने वाला है, यानी 10 दिन की टाइम दिए हैं कि आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं दोस्तों, नंबर जगह जगह चला जाएगा ना, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से कॉल आएगा, फिर अपना जाकर सीखा। और बाकी तो ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छा लग ही रहा है, अच्छी अच्छी बात बनाए। चलिए दोस्तों अभी चल रहा हूँ घर पर, भाभी कॉल करी थी कहा जाओ, खाना बन गया, अभी खाया नहीं है ना सुबह, अभी 9 बज रहा है, मैं सुबह निकल गया था कि और भी जगह बात कर लूँ, कहीं भी अच्छे से जितना घूमेगा ना उतने अच्छे जॉब मिलेगा, आने के एक जगह अगर जाकर फिट हो गया फिर वही हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं कब तक जॉब मिलता है। वो जो पहले दवा चल रहा था देखे हो गए वीडियो में, मुझे लग रहा है उस दवा को और भी चलाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रहे हैं, वो जो दवा चला रहे आपका डॉक्टर साहब वहाँ से जो सीमान जिला से चला था, तो उसको आपने अभी छोड़ना नहीं था, हमें सोचा कि आदत लग जाएगा वो सब नील का गोली है, आप ही लोग शायद कहने पर मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन वही प्रॉब्लम फिर मेरे साथ हो रहा है। रात को ना 2-3 बजे तक ऐसी जगह रहता हूँ, सुबह तक आँख एकदम लाल हो जाता है, ये समस्या है। तो अभी मैं दवा लेके जा रहा हूँ, खा के इसको खा के आराम करो, फिर देखते हैं आगे क्या। आप लोग प्लीज़ हौसला ऐसी बढ़ाते रहिए, हमें काम ही करना है, स्वस्थ हो जाता हूँ इस सबसे, उसके बाद करेंगे कोई ना कोई ना। जो दवा दिए थे रिएक्शन कर दिया है, अभी जा रहा हूँ उन्हीं के पास, देख सकते पूरा हाथ लाल लाल हो गया सभी, तो दिखाओ कैसे रिएक्शन हो गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करता हूँ, देख सकते अभी ये भी खाया ना, अभी भी सही नहीं हुआ है, ये देखिए क्या हाल है, पूरा शरीर में हो गया है। तो बोले हैं डॉक्टर साहब का धीरे धीरे हो जाएगा सही, रिएक्शन कर गया कुछ ऐसा, एक बीमारी है ना जो आप लोग से शो नहीं कर सकता, और उसी को मैं डॉक्टर साहब से बोला तो 3 खुराक अलग अलग दवा दिए, इसीलिए रिएक्शन शायद कर दिया। तो चलिए बाकी वो भी बता दूंगा आपको। अब फाइनली आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मेरा जो प्रॉब्लम है ना नींद का, रात रात को 3-4 बजे तक नींद नहीं आता, सुबह तक दिमाग घूमाए रहता है, सबसे ज़्यादा वही दिक्कत है। मुझे लग रहा है वो जो दवा था जो वहाँ डॉक्टर साहब एक बार और बता रहा हूँ, वो चलाना ही पड़ेगा कुछ दिन और। तो आप लोग कमेंट बताइएगा, तो फिर देखते हैं कब तक चलाना पड़ेगा, डॉक्टर के हिसाब बताएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक 16 32, आप लोग हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।